हेलो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंस नो हाउ। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा इनकम टैक्स की स्लैब रेट्स है फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड असेसमेंट ईयर 2022 के लिए जो एप्लीकेबल है उनको डिस्कस करेंगे। देखो इसमें हम जो भी रेट्स हैं इंडिविजुअल के लिए, कंपनीज के लिए, HUF के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़, कोऑपरेटिव सोसाइटी सब के लिए डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल की, रेजिडेंट इंडिविजुअल जो 60 साल से कम है, बोथ मेल एंड फीमेल, ओके। अगर इनमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप पुरानी वाली स्कीम में रहो या नई स्कीम ले लो। पुरानी स्कीम में क्या है, अगर आपकी इनकम 2,50,000 से कम है तो कोई टैक्स पे नहीं करना। 2,50,000 से लेके 5 लाख तक आपकी इनकम है तो 5% का टैक्स पे करना है। अगर आपकी 5 लाख से लेके 10 लाख रुपीज़ तक का स्कीम है तो आपको 20% का टैक्स पे करना है। और अगर आपका इनकम 10 लाख से ऊपर है तो 20% टैक्स पे करना है, ठीक है। सो न्यू टैक्स रेजिम में क्या है, अगर आपकी इनकम 2,50,000 तक है तो कोई टैक्स नहीं है। 2,50 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 7.5 तक 10%, और उससे ऊपर 7.5 से लेकर 10 लाख तक 15%, और 10 लाख से लेकर 1,250 तक 20%, 1,250 से 15 लाख तो 25%, ऐसे से 5-5% इंक्रीज़ होता जाएगा। अब वो 15 लाख जो भी 15 लाख से ऊपर होगा उस पर 30% का टैक्स पकड़ना है। सो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप ओल्ड स्कीम में रहोगे तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, बट आप न्यू स्कीम में जाएंगे तो आपको कुछ बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। वो क्या होंगे, सो देर इज़ नो चेंज इंट्रोड्यूस इन द ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजम। रेट्स ऑफ सरचार्ज सेम टू सेम, हेल्थ एंड एजुकेशन सेम टू सेम, रिबेट अंडर 87A, नो टैक्स विल पेबल ऑन द टोटल इनकम अप टू ₹5 लाख इन बोथ रिजम्स। तो ये जो तीन बेनिफिट है ये तो सेम के सेम रह गए, बट कुछ चीज़ें हैं जो आप सिर्फ ओल्ड में अलाउ कर सकते हैं, न्यू में नहीं मिल सकती। जैसे सेक्शन 80C, 80D और HRA विल नॉट बी अवेलेबल अंडर द न्यू टैक्स रेजिम। सो नई टैक्स रेजिम में आपको ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब बात करते हैं इनकम टैक्स स्लैब रेट फॉर द इंडिविजुअल हु आर इक्वल टू और मोर देन 60 बट लेस देन 80। सो दे आर कॉल्ड सीनियर सिटीजन्स। सो सीनियर सिटीजन्स के लिए भी देख लीजिए, 3 लाख जो है वो चेंज हो गया, बाकी सब चीज़ें सेम है। जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 3 लाख हो गई है इसके अंदर, ओल्ड के अंदर। बाकी न्यू का जो सिस्टम है वो सेम टू सेम है फॉर द ओल्ड एंड फॉर द न्यू एंड फॉर द सीनियर सिटीजन एंड फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। और जो नीचे वाले जो चेंजेस है वो भी सेम है, बस एक बेसिक एग्जम्पशन जो न्यू रिजिम है उसमें 2.5 and 3 लाख इन द ओल्ड रिजिम, बाकी जितने भी चेंजेस थे वो सेम टू सेम है, ठीक है। तो आप उसी तरह से इसको ट्रीट करिए। अभी जो 80 से ऊपर है उनके लिए भी सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ एक जो रेजिम है 5 लाख रुपीज़ हो गई है, ठीक है। 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 5 से 10 है तो 20% और 10 लाख से ऊपर है तो 30%। बाकी उस जो न्यू रेजिम है वो सभी के लिए सेम टू सेम है, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, वेरी सीनियर सिटीजन हो या सिटीजन ऑफ इंडिया हो, उसमें जो रेट्स है सेम टू सेम। और जो तीन जगह पे चेंजेस नहीं है, चाहे वो रेट ऑफ सरचार्ज, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और रिबेट के अंदर कोई चेंज नहीं है। और 80C, 80D, 80D ये न्यू रेजिम के अंदर नहीं अवेल कर सकते। और बेसिक एग्जम्पशन की जो लिमिट है सीनियर सिटीजन में, वेरी सीनियर सिटीजन में 5 लाख कर दिए 2.5 लाख से जो पहले थी, मतलब नया कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। सो आप पहली चीज़ को दिमाग चलिए, जो न्यू रेजिम है वो सभी के लिए सेम है, चाहे वो बहुत ही सीनियर सिटीजन हो या वेरी सीनियर सिटीजन हो, उनके लिए सेम टू सेम। अभी इनकम टैक्स लाइफ फॉर द नॉन रेजिडेंट्स के लिए क्या है, नॉन रेजिडेंट्स के लिए भी वही है जो इंडिविजुअल रेजिडेंट के लिए है, ठीक है। उनमें भी कोई चेंज नहीं है, सेम टू सेम है। अब बात करें HUF, इनकम टैक्स लाइफ फॉर द HUF, ये भी सेम है फॉर द एवरीवन, ओके। यहाँ पे 87A का डिडक्शन नहीं मिलता, दैट इज़ ओनली फॉर द इंडिविजुअल्स ओनली, ठीक है। फिर बात करते हैं इनकम टैक्स स्लैब फॉर द AOPN, बोर्ड ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड आर्टिफिशियल जुरिसडिक्शन पर्सन। सो इनमें क्या होता है कि 2.5 लाख तक कोई इनकम नहीं, टैक्स नहीं है। 2.5 से लेकर 5 लाख तक 5%, 5.10 से 20% एंड 10 से ऊपर 30%। बट यहाँ पे जो हेल्थ एंड एजुकेशन चार्ज है वो 4% रिबेट है, जो 87A का वो नहीं एप्लीकेबल होता यहाँ पे। और जो सरचार्ज है वो इस टाइप से लगेगा, अगर आपकी इनकम अप टू 50 लाख है तो नील,
50 लाख से ऊपर और 1 करोड़ तक है तो 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ 25%, और 5 करोड़ से ऊपर है तो 37% का सरचार्ज लगेगा। बात करें इनकम टैक्स स्लैब फॉर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए क्या होता है, अगर आपकी इनकम 10,000 से कम है या 10,000 तक है तो 10% की रेट, 10,000 से 20,000 तक 20%, और 20,000 से ऊपर तो 30% का टैक्स लगेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट, अंडर द न्यू टैक्स रेजिम मेड एप्लीकेबल बाय बजट 2020, रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी विल हैव एन ऑप्शन टू चूज अ रिड्यूस रेट एट टैक्स 22% अंडर सेक्शन 115BDA एंड शैल नॉट बी अलाउड टू अवेल द सर्टेन स्पेसिफिक एग्जेम्पशंस। तो नई रेजिम में क्या होगा कि उनको 22% जितनी भी इनकम हो उस पर 22% टैक्स भर दे, और बाकी उसको कुछ बेनिफिट्स होंगे वो नहीं मिलेंगे। हेल्थ एजुकेशन सेस सेम टू सेम दोनों रेजिम में, और रेट ऑफ सरचार्ज 12% अगर 1 करोड़ से ऊपर इनकम है तो। ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, न्यू हो या ओल्ड, ठीक है। अब बात करें इंडियन कंपनीज की। देखो, अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, ठीक है, तो आपके ऊपर जो टैक्स लगेगी वो होगी 30% प्लस 4% सेस, ठीक है। और सरचार्ज अगर एप्लीकेबल है तो सरचार्ज कितना, अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है तो 7%, 10 करोड़ से ऊपर है तो 12%, ठीक है। कंपनीज विद ग्रोस रिसिप्ट अप टू 400 करोड़, मतलब आपकी जो रिसिप्ट है वो 400 करोड़ तक ही है, तो आपके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो होगा 25% प्लस 4% का सरचार्ज, सॉरी 4% का सेस एंड सरचार्ज जो एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ सेक्शंस हैं जो इंट्रोड्यूस हुई थी लास्ट ईयर, जैसे 115BBAA, ये डोमेस्टिक कंपनीज के लिए थी, ठीक है। टैक्स वुड बी लेविड एट 22% प्लस 4% सेस प्लस 10% सरचार्ज, बट इसके अंदर कुछ कंडीशंस थी, उनको पढ़ना पड़ेगा, बट वो हम दूसरे वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। 115BBAB था, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए टैक्स वुड बी लेविड एट 15% प्लस 4% सेस 10% सरचार्ज। और जो थर्ड है, मैन्युफैक्चरिंग जनरेटिंग कंपनीज कैन नाउ ऑप्ट फॉर सेक्शन 115BAB एज प्रपोज्ड बाय द बजट 2020 एंड सर्टेन एग्जम्पशन रिडक्शन विच विल नॉट अलाउ एप्लीकेबल ऑन दीज सेक्शंस, ठीक है। बात करें फॉरेन कंपनीज भी, फॉरेन कंट्रीज की जो कंपनीज होती है उनके ऊपर जो टैक्स रेट होती है वो होती है 50% एंड 4% ऑफ। कौन सी कंपनीज के लिए, अगर वो टेक्निकल फीस जो उनका रेवेन्यू हो रहा है वो टेक्निकल फीस से हो रहा है, रॉयल्टी रिसीव, ठीक है, एज पर द अग्रीमेंट अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, तो उनके ऊपर 50% से टैक्स लगेगा और 4% का सेस एंड सरचार्ज भी। अगर और कोई कंपनी है इन चीज़ों से अलग तो 40% की रेट, 4% का सेस एंड सरचार्ज, विच एवर इज एप्लीकेबल, ठीक है। अभी इनकम टैक्स स्लैब एंड रेट्स फॉर द असेसमेंट ईयर 19-20 ये नहीं पढ़ना हमें, सिर्फ इतने तक पढ़ना है। सो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया डिफरेंट लोगों को कैसे कैसे टैक्स लगाना है, कैसे कैसे उन पे रेट्स होगी, वो सब डिस्कस करी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आगे हम एक नई वीडियो ले आएंगे इसके बाद, ठीक है। थैंक यू सो मच।